हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर शिमला में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी के बाद शिमला ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे सर्दी का एहसास और गहराता जा रहा है। सोमवार सुबह जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई, शिमला की वादियां मानो एक नए रूप में निखर उठी। जगह जगह बर्फ की मोटी परत बिछ गई, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक उत्साहित हो गए। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलकर तस्वीरें खींचते और मस्ती करते नजर आए। बर्फबारी के साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। जहां दिन का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, वहीं रात का पारा 0 के करीब पहुंच गया। सर्द हवाओं के चलते स्थानीय निवासियों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। शिमला में इस बर्फबारी से जहां स्थानीय व्यापारियों के चेहरे पर खुशी है, वहीं सैलानियों की भीड़ बढ़ने की संभावना भी। होटल और गेस्ट हाउस संचालकों की उम्मीद है कि बर्फबारी का यह सीजन उनके व्यवसाय को एक नई ऊंचाई देगा। शिमला के माल रोड, रीज और कुपरी जैसे प्रमुख स्थलों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शिमला का रुख करते हैं। हालांकि बर्फबारी के चलते कुछ इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने प्रमुख मार्गों को साफ और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी और कर्मियों को तैनात किया है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे बर्फबारी के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और आवश्यक रूप से ही जोखिम न उठाएं और अनावश्यक रूप से जोखिम न उठाएं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। शिमला की पहली बर्फबारी ने न केवल शहर की खूबसूरती को निखारा है, बल्कि इसने सर्दी के मौसम की